आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पैन कार्ड में करेक्शन कैसे करते हैं, यानी कि पैन कार्ड में सुधार कैसे करते हैं। और इस वीडियो में जो हम आपको पैन कार्ड में सुधार करने का प्रोसेस बताने वाले हैं, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस है, जिसके माध्यम से आप अपने पैन कार्ड में नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर, कुछ भी आप जो है सुधार कर सकते हैं। और इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट किसी भी जगह भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर से करेक्शन यानी कि सुधार कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल खोलना है। सर्च बार में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा पैन कार्ड NSDL। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे पैन कार्ड NSDL इस तरह से, उसके बाद में सर्च कराएंगे तो आपके सामने पेज खुल के आएगा। फर्स्ट नंबर पर लिंक दिया ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। यहां पे आने के बाद में सबसे पहले आप स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे एप्लीकेशन टाइप के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे चेंज आर करेक्शन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, इस पे आपको इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे जाएंगे तो यहां पर एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन को आपको डालना है। तो सबसे पहले यहां पर टाइटल पूछ रहा है, तो अगर किसी मेल कैंडिडेट का यानी कि पुरुष का आप करेक्शन कर रहे हैं तो आप सिरी सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी महिला का कर रहे हैं जिसकी शादी हो चुकी है यानी कि विवाहित है, तो आप SMT को सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी लड़की का करेक्शन कर रहे हैं जिसकी शादी नहीं हुई है, तो आप कुमारी सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको यहां पे टाइटल सेलेक्ट करना होता है। तो यहां पे मैं मेल कैंडिडेट का कर रहा हूं, तो यहां पे मैं सिरी सेलेक्ट करता हूं। ठीक, अब यहां बात आती है नाम डालने की। तो यहां पे नाम डालने में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो यहां पे पहले दिया है लास्ट नेम, उसके बाद दिया है फर्स्ट नेम, उसके बाद दिया है मिडिल नेम। तो यहाँ पे नाम जो है अगर आपका केवल एक अक्षर का है तो आपको लास्ट नेम में ही डाल देना है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे बहुत लोगों का नाम केवल एक अक्षर का रहता है, उसमें ना तो किसी प्रकार का जाति का टाइटल लगा रहता है, ना तो कुमार कुमारी लगा रहता है, तो उस केस में आपको लास्ट नेम में ही डाल देना। मान लीजिए आपका नाम केवल राम है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर राम डाल दीजिए, बस हो गया, आपका नाम पड़ गया। यहाँ पर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को आपको छोड़ देना है। कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम में डाल देंगे, तो फर्स्ट नेम में आपको नहीं डालना है। अगर सिंगल केवल नाम है एक अक्षर का, तो आपको यहां पे राम आपको जो है लास्ट वाले में डाल देना है, यानी कि आपका नाम अगर एक अक्षर का है तो आपको लास्ट नेम में डालना है। ठीक, अगर यहीं पे मान लीजिए आपका नाम राम कुमार होता, तो आपको क्या करना है, यहां पे जो राम आपने लिखा, इस राम को यहां पे लिखना होगा, यानी कि जो फर्स्ट नेम दिया है इसमें लिखना है राम, और जो लास्ट नेम दिया है यहां पे लिखना है कुमार। तो यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस तरह से आपको डालना होगा। और यहीं पे मान लीजिए आपका नाम तीन अक्षर का हो, राम कुमार यादव हो, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, तो आपको फर्स्ट में डालना है राम, और यहां पे जो आपने डाला है लास्ट में कुमार, ये यहां पे नहीं पड़ेगा, फिर मिडिल में पड़ेगा आपका कुमार। ठीक, तो यहां पे आपको मिडिल में यहां पे डाल देना है कुमार, और यहां पे आपको डाल देना है लास्ट में यादव। ठीक, ये तीन अक्षर का जैसे नाम है तब उस केस में, और सिंगल केवल एक अक्षर का नाम है तो आपको लास्ट नेम में डाल देना है, बस इतना काम आपको करना है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहां पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है, यहां पे मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में यहां पे आपको सिटीजन ऑफ इंडिया में यहां पे आपको यस वाले ऑप्शन को चूज करना है। जो आपका पुराना वाला पैन नंबर है जो जिसे आप करेक्शन करना चाहते हो, उस पैन नंबर को यहां पे डालोगे, उसके बाद में इस चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाओ, इस कैप्चा कोड को यहां पे डालोगे और नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज जो है खुल के आ जाएगा। अब यहां पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया है सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC। अगर इस ऑप्शन से आप अपने पैन कार्ड में करेक्शन करते हो तो इसमें जो आपका फोटो आएगा आपका आधार वाला ही फोटो आ जाएगा, और जो सिग्नेचर है यहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको इस वाले ऑप्शन को चूज करना है सबमिट स्कैंड इमेजेस थ्रू ई साइन इन। आप इसमें भी पेपरलेस तरीके से आप अपने फोटो सिग्नेचर, आप अपनी मनचाही फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, और साथ ही कुछ भी आप करेक्शन कर सकते हैं, तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। ठीक, फिर नीचे जाएंगे स्क्रॉल करेंगे तो अगर आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड चाहिए, जो डाक द्वारा प्लास्टिक पैन कार्ड चाहिए, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। अगर नहीं चाहिए तो आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है, जिसके बाद में आप ई पैन कार्ड से भी अपना काम चला सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमें फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो हम यस के ऊपर रहने देते हैं। स्क्रॉल करेंगे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका आधार यानी पैन नंबर है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय शुरू में डाला था। अब फिर नीचे जाएंगे, यहां पे आपको अपने आधार का लास्ट का 4 अंक डाल देना है, और यहां पे जो भी डाटा आपको अपडेट करना है, करेक्शन करना है, उसके सामने चेकबॉक्स दिखेगा, उस पर टिक मार्क लगा देना है। मान लीजिए आपको पैन यानी कि आधार नंबर अपडेट करना है, तो आपको यहां पर चेकबॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है। फिलहाल मेरा अपडेट है पहले से ही, इसे अपडेट करने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन लास्ट का आपको 4 अंक डाल देना है। फिर नीचे जाएंगे, यहां पर नेम एज पर आधार, जो आपके आधार कार्ड में नाम है
है उस नाम को यहाँ पे डाल देना है। ठीक, फिर नीचे जाना है। अब यहाँ पे फुल नेम ऑफ दी एप्लीकेंट, तो यहाँ पे आपका नाम जो है रजिस्ट्रेशन से ही ले लेता है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जो है अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा नाम सही है, कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो भी करेक्शन करना होता है उसके सामने चेकबॉक्स दिया है तो उसे टिक मार्क लगाना जरूरी होता है, तभी वो करेक्शन होगा, अन्यथा आपका करेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ में अगर आपको सुधार करना है तो इस चेकबॉक्स को टिक मार्क लगाएंगे, यहाँ पे जो भी आपकी सही डेट ऑफ बर्थ है उसे डालेंगे। ठीक, तो उसके बाद में यहाँ पे आते हैं जेंडर वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे जेंडर आपको मेल फीमेल जो भी है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, उसके बाद आपको नीचे जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर और साथ ही पेरेंट्स के डिटेल को करेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे जो हमें करेक्शन करना है फोटो और सिग्नेचर को करना है, क्योंकि मेरा जो पैन कार्ड है उसमें जो फोटो है आधार वाला आ गया, साथ ही जो है सिग्नेचर उसमें नहीं है, तो हम फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे करेक्शन करने वाले हैं, तो इन दोनों को हम चेक मार्क यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, अगर आप पेरेंट्स की डिटेल आपके पैन कार्ड में नहीं है तो आप इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट करिएगा और पेरेंट्स की डिटेल को भी यहाँ पे डाल के अपडेट कर सकते हैं। ठीक, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डाल देना है, जिस तरह से आपने अपना नाम जो है फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम डाला था, सेम उसी तरह से फादर नेम को भी आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आपको मदर नेम डालने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप चाहे तो मदर का भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक, बाकी ये ऑप्शनल है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अब आप अपने पैन कार्ड में जो है फादर का नाम रखना चाहते हैं, मदर का नाम रखना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। ज्यादातर फादर का ही नाम रहता है तो आप फादर ही सेलेक्ट करिएगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे फिर आपको क्लिक कर देना है, जिसके बाद में ये वाला पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, रेसिडेंस और ऑफिस। तो यहाँ पे अगर आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार के ही पते पे मंगवाना चाहते हैं तो आप रेसिडेंस को सेलेक्ट करोगे और साथ ही यहाँ पे आपको अपना जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है, आपका जो रेसिडेंस एड्रेस है उसी को फिल करना है। मान लीजिए आप अपने पैन कार्ड को किसी ऑफिस पे, किसी फैक्ट्री कंपनी पे या कहीं बाहर रहते हो वहाँ पे मंगवाना चाहते हो, तो ऑफिस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे और ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है। फिलहाल मेरे केस में यहाँ पे रेसिडेंस ही रहेगा, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहां पे एड्रेस में आपको क्या क्या डालना है। सबसे पहले आपसे फ्लैट रूम डोर ब्लॉक नंबर पूछ रहा है, तो अगर ये सब आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं पता है तो सिंपल सा आप अपने विलेज का भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं विलेज का ही नाम डाल देता हूँ। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ दी प्रेमिसेस बिल्डिंग विलेज, तो यहाँ पर भी आपको अपने विलेज का ही नाम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जो है प्रेमिसेस या बिल्डिंग का नाम जानते हो तो उसे भी डाल सकते हो। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे रोड स्ट्रीट लेन पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना है। ठीक, उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे एरिया लोकेलिटी तालुका सब डिवीजन, तो यहाँ पे आपको अपने सब डिवीजन यानी तहसील का नाम डाल देना है, तो यहाँ पे तहसील का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद में टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे कंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी जो भी कंट्री है आपको अपनी कंट्री का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, तो मेरी इंडिया है तो मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में स्टेट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। ठीक, इस तरह सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको अपना पैन यानी पिन कोड डाल देना है जो आपके आधार कार्ड में है। बाकी अगर ऑफिस का एड्रेस आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहां पे ऑफिस की डिटेल देनी होगी और साथ ही पिन कोड ऑफिस वाला ही डालना होगा। अब उसके बाद में नीचे जाएंगे, जिप कोड को आपको छोड़ देना, इसमें कुछ भी नहीं करना। अब यहां पे अगर आप टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हो तो आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा, जिससे कि अगर आप नया मोबाइल नंबर या फिर नई ईमेल आईडी डाल रहे हो तो आपका अपडेट हो जाएगा और यहां पे आपको उसे डालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आ जाता है। यहां पे कंट्री कोड के ऊपर क्लिक करके यहां पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, तो यहां पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो यहां पे पूछ रहा है मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर्स, अगर आपका कोई और भी पैन नंबर जनरेट हो गया था, बन गया था, तो अगर आपको पता है तो आप उसे यहां पे डाल सकते हैं, उसकी डिटेल दे सकते हैं इसके ऊपर चेक मार्क लगा के। ठीक, फिलहाल मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं इसे छोड़ूंगा, उसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये पेज आ जाएगा आपके सामने। अब यहां पे सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है कि आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो, एड्रेस प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो, और साथ ही प्रूफ ऑफ पैन प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो। तो यहां पे जैसे मान लीजिए आप इन तीनों में चाहें तो आप कोई अलग अलग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप आधार कार्ड को ही सेलेक्ट करके तीनों में आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं तीनों मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैन प्रूफ के लिए यानी प्रूफ ऑफ पैन
पैन के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉपी आप पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड की पुरानी कॉपी है तो आप उसे जो है अपलोड कर सकते हैं, या फिर कॉपी आप पैन अलॉटमेंट लेटर, जो आपको पैन कार्ड अलॉट होता है उसका जो लेटर है आपके पास है तो उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप नो डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तब भी आपका पैन कार्ड यानी कि करेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मेरे पास पैन कार्ड की कॉपी है तो हम उसे ही अपलोड कर देंगे, तो कॉपी आप पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद नीचे जाएंगे डिक्लेरेशन में, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, हिमसेल्फ और हरसेल्फ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नाम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। उसके बाद नीचे जाएंगे, आई बी हैव इनक्लोजर करके दिखा रहा है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप कितने डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे जो हम आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं दो लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे दो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, या फिर जो है आप एक लगा रहे हैं तो आप एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद नीचे जाना है यहाँ पे प्लेस में, आपको अपने प्लेस का नाम यानी कि गाँव का नाम या फिर कस्बे का नाम यहाँ पे डाल देना है, ठीक। इतना करने के बाद में यहाँ पे डेट आपका ऑलरेडी मेंशन रहेगा। अब यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, फोटो का साइज और सिग्नेचर का साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक। सबसे पहले फोटो अपलोड करने के लिए जैसे आप इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे, आपने जहां पर भी फोटो को रखा है आपको फोटो को सेलेक्ट करना है, ओपन के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे पेज जो है रिफ्रेश होगा, जिसके बाद में यहाँ पे आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे, सिग्नेचर जहाँ पर भी रखा है सेलेक्ट करोगे, ओपन के ऊपर क्लिक करोगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग के लिए जो है सेलेक्ट किया, जैसे मैंने आधार कार्ड तीनों में सेलेक्ट किया है और साथ ही पैन कार्ड को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट हम आप अपलोड करेंगे। अगर आपने पैन कार्ड की कॉपी को नहीं सेलेक्ट किया है, नो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है, तो आपको पैन कार्ड अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और आपने जहां पर भी आधार कार्ड को रखा है पीडीएफ में बना के, 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका पीडीएफ, सेलेक्ट करेंगे, ओपन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक, और अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद में जो आपकी आधार कार्ड की कॉपी है अपलोड हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड की कॉपी अपलोड हो चुकी है। सेम इसी प्रकार से आपको जो पैन कार्ड की कॉपी है उसे भी अपलोड करना है, तो इसके लिए ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपको पैन कार्ड की कॉपी अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर पैन कार्ड को सेलेक्ट करते हैं, ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर उसके बाद में आपको ऊपर जो दिया है अपलोड वाला ऑप्शन, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद में आपका पैन कार्ड भी अपलोड हो जाएगा। तो यहां पे आपको एक बार चेक कर लेना है, तो यहां पे देख सकते हैं लिखा है आधार कार्ड पीडीएफ और यहां पे लिखा है पैन कार्ड पीडीएफ, यानी कि दोनों डॉक्यूमेंट मेरा अपलोड हो चुका है। इतना करने के बाद में एक बार डिटेल को सही से एक बार वेरीफाई कर लीजिए, सारा कुछ आपका सही है। नीचे जाएंगे, यहां पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक, जिसके बाद में जो आपका एप्लीकेशन है नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। अब यहां पे सबसे पहले आपको अपने आधार का शुरू का 8 अंक यहां पे, यानी कि 8 डिजिट यहां पे लिखा है, फर्स्ट 8 डिजिट, आगे का 8 अंक यहां पे आपको अपने आधार का डाल देना है। फिर नीचे जाएंगे, यहां पे आपको अपनी डिटेल को यानी कि सारा मैच कर लेना, जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है सारा कुछ आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा, सारी डिटेल को आपको यहां पे एक बार वेरीफाई कर लेना है, ठीक। वेरीफाई करेंगे उसके बाद नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे अगर कहीं पर कोई त्रुटि लगती है, कोई गलती लगती है, तो एडिट के ऊपर क्लिक करके उसे सुधार कर सकते हैं, अन्यथा प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, जिसके बाद में नेक्स्ट पेज आपके सामने ये आ जाएगा। अब यहां पर आपको पेमेंट करना होता है, तो यहां पर आप चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिलडेस्क, दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो हम लास्ट वाले ऑप्शन को चूज करते हैं। नीचे जाएंगे, 106 रुपए 90 पैसे की आपको पेमेंट करना होगा। नीचे जाएंगे तो यहां पे जो है आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे टिक मार्क लगाना है, प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद में आपके सामने पेमेंट के लिए कंफर्मेशन मांगेगा, पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे पेमेंट के कई सारे आपको मेथड मिल जाएंगे, जैसे कि नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्यूआर से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी है क्यूआर के ऊपर क्लिक करिए और यहां पे भीम यूपीआई के ऊपर सेलेक्ट करके मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करिए और इस क्यूआर कोड को आपको अपने फोन पे गूगल पे पेटीएम से स्कैन करके पेमेंट को कर देना है। जैसे आप अपने पेमेंट को डन करेंगे, जिसके बाद में आपसे वेटिंग करने के लिए बोलेगा, यहां पे देख सकते हैं वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स और इसमें आपसे बता रहा है कि अप टू 1 मिनट का टाइम लग सकता है, तो आपको यहां पे पेज को ना तो कट करना है ना तो रिफ्रेश करना है, आपको थोड़ा सा यहां पे इंतजार कर लेना है, जिसके बाद में आपके सामने आ जाएगा ट्रांजैक्शन स्टेटस और यहां पे आपका सक्सेस लिख के आ जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिस
इसके बाद में आपसे आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, इस चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाएंगे और ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक। जिसके बाद में ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन के नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी जनरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू विथ ई साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट पेज है कुछ इस तरह से खुल के आएगा, चेकबॉक्स का टिक मार्क लगाएंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक। जैसे आप ओटीपी डाल के वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा और आपका जो पैन का करेक्शन करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी रिसिप्ट को या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपसे एक पासवर्ड मांग रहा है, आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के आप प्रिंट कर सकते हो। अब पासवर्ड में आपको क्या डालना है, आपको अपनी जन्मतिथि को पूरा डाल देना है, यहाँ पे आपको अपनी जन्मतिथि में यानी स्लैश वगैरह कुछ डैश वगैरह नहीं देना है, जो भी आपकी जन्मतिथि है उसे डालेंगे, और डालने के बाद में जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका पैन करेक्शन का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा प्रिंट आप यहाँ से ले सकते हैं, और आपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किया है सारा कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो आप इसे जो है प्रिंट कर सकते हैं, या फिर नीचे से ऊपर जो पीडीएफ दिया गया है यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।